और सिंगापुर में लालू का किडनी ट्रांसप्लांट सफल हो गया। ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू शिफ्ट किया गया। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने तस्वीर शेयर की है। लालू प्रसाद यादव भी बातचीत भी कर रहे हैं। बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू को किडनी दी है। तो सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी स्ट्रेचर से होकर के उन्हें आईसीयू में और उसके बाद से अब वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया है। लालू प्रसाद यादव स्वस्थ अब नजर आ रहे हैं। साथ ही परिवार वालों ने जानकारी दी है कि लालू प्रसाद यादव ने बातचीत भी की है और समर्थकों में खुशी की लहर है, क्योंकि लगातार दुआओं का दौर, कामनाओं का दौर चल रहा था। लालू प्रसाद यादव के लिए ये गबन कई जगहों पर किए जा रहे थे। आरजेडी समर्थकों के साथ साथ जो आरजेडी के जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार कई जगहों पर हवन पूजन का कार्य कर रहे थे। पटना में भी लगातार दुआओं का दौर चल रहा था और सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेस हुआ है। ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने तस्वीर शेयर की है, जिस तस्वीर में लालू प्रसाद यादव स्ट्रेचर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य की बात करें तो उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई किडनी ट्रांसप्लांट में। उन्होंने अपनी किडनी जो है वो डोनेट की और इस डोनेशन के बाद से लगातार चर्चा में रोहिणी आचार्य भी हैं कि अपने पिता के इस संघर्षरत क्षण में वो पिता के साथ बेटी कैसे खड़ी रही। और एक बड़ा संदेश भी उन्होंने दिया है, पूरा परिवार साथ नजर आ रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव, मिसा भारती, राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य ने तो किडनी अपना डोनेट किया ही है। तो पापा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है। पापा अभी आईसीयू में है, होश में है और बातें कर पा रहे हैं। ट्वीट है, आप सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मिसा भारती जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने आभार लोगों का भी जताया है और उन्होंने लिखा है कि पापा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है, पापा अभी आईसीयू में है, होश में है और बातें कर पा रहे हैं, आप सबकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। तो लगातार पूरा जो परिवार था वो अपडेट भी ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए कर रहा था, क्योंकि समर्थकों की चिंता काफ़ी बढ़ी हुई थी कि लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल हो जाए, लालू प्रसाद किस स्वास्थ्य स्तर से गुस्सा रहे, तमाम चीज़ों की जानकारी लोग कहीं ना कहीं लेना चाह रहे थे। और इसी को लेकर के परिवार भी सजग था कि लालू प्रसाद यादव के चाहने वालों में चिंता नहीं बढ़े और उनको पल पल की जो जानकारी है वो देती चली गई। वहीं तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों स्वस्थ हैं, आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद। तो ये तेजस्वी यादव का भी ट्वीट है। इससे पहले मिस्टर भारती का ट्वीट हमने आपको दिखाया और उन्होंने लिखा है कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन शिफ्ट किया गया है। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों स्वस्थ हैं, आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद। क्योंकि कहीं ना कहीं चिंताएं रोहिणी आचार्य के लिए भी थी, क्योंकि उन्होंने अपना जो किडनी है वो डोनेट किया है। लालू प्रसाद यादव के बॉडी में वही किडनी काम करेगा, यानी कि बेटी की जो किडनी है वो काम करेगी लालू प्रसाद यादव के बॉडी में। और सफलतापूर्वक जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो पूरा किया जा चुका है और कहीं ना कहीं जो कामनाएं की जा रही थी, जो हवन यज्ञ किया जा रहा था, उसका असर भी हुआ है। कहा जाता है कि दवाओं से ज़्यादा दुआओं का असर होता है और लालू प्रसाद यादव के भी मामले में ऐसा ही देखने को मिला है। और ये तस्वीर सुखद तस्वीर है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अब बातचीत कर पा रहे हैं और जिस तरीके से परिवार ने जानकारी दी है कि लालू प्रसाद यादव ने बातचीत भी की, जल्द वो स्वस्थ और भी हो जाएंगे। और इस पूरी खबर पर संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, लालू प्रसाद यादव को लेकर के चिंताएं लगातार उनके समर्थकों में भी थी किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के, लेकिन सुखद तस्वीर सामने आई है, किडनी ट्रांसप्लांट सफल हुआ है। किस तरीके से इस तस्वीर को देख पा रहे हैं जो तेजस्वी ने शेयर की है? बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए और उनके चाहने वालों के लिए यह सबसे बड़ी खबर है और बिहार की राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर है ये कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी प्रत्यारोपण पूरी तरह से सफल हो गया है और इसकी जानकारी उनके छोटे बेटे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव ने खुद सोशल मीडिया पर दी है, ट्विटर पर दी है, फेसबुक पर दी है। तेजस्वी ने वीडियो भी शेयर किया है कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव को ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में ले जाया जा रहा है। तो यह बहुत बड़ी खबर है, खास करके लालू प्रसाद के प्रशंसकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए
कि एक लंबे अरसे से लालू प्रसाद यादव गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जिस बीमारी से अब उनको निजात मिल जाने की पूरी संभावना है। चूंकि ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा और उनका जो ट्रांसप्लांट किया गया है कि किडनी का जो प्रत्यारोपण हुआ है वह उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ही दान में दी है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ी खबर है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। तेजस्वी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें आप देख सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद हैं, राबड़ी देवी भी साथ में चल रही हैं। मीसा भारती रोहिणी आचार्य ने सवेरे से ही पल पल की रिपोर्ट, पल पल की जानकारी लालू प्रसाद यादव के प्रशंसकों को दी है सोशल मीडिया के द्वारा। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव खुद महामृत्युंजय जप पर बैठे हुए हैं। तो एक तरह से कहिए कि लालू प्रसाद यादव के समर्थक जहाँ ईश्वर से दुआएं मांग रहे थे, वहीं डॉक्टर उनका किडनी प्रत्यारोपण कर रहे थे और दोनों दुआएं भी कबूल कर ली गई हैं और ऑपरेशन भी सफल रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। तेजस्वी ने जो शेयर किया उसमें उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से स्वस्थ हैं, बहन रोहिणी आचार्य भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो चलिए बिल्कुल अशोक जी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सफल ट्रांसप्लांट हो जो है वो किया जा चुका है और एक बड़ा संदेश भी बेटी रोहिणी आचार्य ने देने की कोशिश की कि किस तरीके से पिता जब संघर्ष कर रहा तो होता है, स्वास्थ्य उसका गिरा होता है, तब कैसे बेटियां अपने पिता के लिए उस वक्त के लिए वो काम आती है और कहीं ना कहीं उनकी भी बड़ी भूमिका जो है इस किडनी ट्रांसप्लांट के सफलता में जो है वो नजर आता है। बिहार और भारत से हजारों किलोमीटर दूर रोहिणी आचार्य रह रही हैं सिंगापुर में, और जो अभी राजनीतिक विरासत थी उन्होंने लालू प्रसाद यादव की नहीं संभाली है। अशोक जी आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर बहरहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया है वो पूरी की जा चुकी है और तमाम जो परिवार है वो साथ नजर आ रहा है।